सो गाइस मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, वहाँ पे कुछ इस तरीके की रील्स देखी। इस तरीके की रील्स बहुत ज्यादा ही आजकल रीच आ रही है और लाइक्स भी आ रहे हैं। ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा खुद का एक फ्रेंड है जिसका नाम है टेक बीट, उसने भी इस तरीके की रील्स बनाना स्टार्ट किया था। उसके बहुत ही कम समय में उसके 1 लाख फॉलोअर्स हो गए। आईडिया आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे फेमस होना है या फिर वायरल जाना है ना, तो आपको रील्स तो बना के डालनी पड़ेगी। इस तरीके की जो रील्स वायरल होती है ना, मेनली उसमें क्या काम होता है, एडिटिंग का काम होता है। तो आज मैं आपको बताने वीएन वीडियो एडिटर की मदद से आप इस तरीके की टेक रील्स कैसे बना सकते हो। तो ज्यादा देर करते चले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, क्योंकि इसी ऐप की वजह से मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एडिट कर सकते हो अपनी वायरल टेक रील्स। तो सबसे पहले इसे ओपन कर लेना है। यहां पर आपको न्यू, क्योंकि फ्री है ना, प्लस वाले आइकन पर जाना है। यहां पर न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है और जो भी आपकी वीडियो जो कि आपने रिकॉर्ड करी होगी फेस कैम अपनी वीडियो का, वो ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी वीडियो है, तो जल्दी से इसे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसमें कुछ बेकार पार्ट्स हैं लास्ट में जो कि मेरे को नहीं चाहिए, वो पहले ये वाला तो डिलीट करूँगा जो इनबिल्ट आता है इसमें से, और दूसरा पार्ट जो इसमें हाँ, और लास्ट का कुछ पार्ट मेरे को नहीं चाहिए तो वो भी मैं डिलीट करूँगा। सो यहाँ से मैं कट करूँगा और ये चीज़ यहाँ पे मेरे को ये वाला पार्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं डिलीट कर दूँगा। सो गाइस यहाँ पर हमारी एक वीडियो आ चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे ऐसे एडिट कैसे करना है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला सो गाइस, तो यहाँ पे मैं कट कर लूँगा। स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा सा जूम इन इफेक्ट चाहिए। मैं आपको इसमें एक एक इफेक्ट बताऊँगा जो कि आपको यूज़ होंगे बाद में, आप कोई भी रील एडिट करोगे तो उसमें आपको यूज़ पड़ेंगे ही। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। तो इस पर मैं टैप करूँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इसको मैं टैप करूँगा। यहाँ पर आप ऑप्शन मिलेगा, यहाँ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जूम का, इस पर आपको जाना है और यहाँ पर जूम इन इफेक्ट यूज़ कर लेना है। ये मतलब जूम आउट इफेक्ट यूज़ कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे जूम आउट होते हुए ये वीडियो आई। अब मेरे को यहाँ पे एक बैकग्राउंड चाहिए जिस पे मैं अपना, जैसे मैंने बोला सो गाइस, इस तरीके की फोटोज़, तो फोटोज़ पे मेरे को फोटो ऐड करनी हो बैकग्राउंड के ऊपर। मैं पहले वीडियो इसके ऊपर एक बैकग्राउंड ऐड करूँगा, उसके ऊपर मेरे को फोटोज़ ऐड करनी है जैसे कि मैंने इसमें बोला है वीडियो में। तो जैसे कि आप वीडियो में मैंने बोला वो वही सारी चीज़ें मेरे को उसी तरीके से बी रोल्स और उसी तरीके से एडिट करना है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं, अगर आपको इतनी क्रिएटिविटी, आपको अपनी क्रिएटिविटी लगानी होती है, तो अगर आपके पास इतनी क्रिएटिविटी नहीं है कि आप इस तरीके से एडिट कर पाओ, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। सो आपको कुछ नहीं करना, आप हार्ड वर्किंग करना, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको रील्स देखनी होंगी जितनी भी आप, जो भी आप चीज़ एडिट करो उस तरीके के कॉन्टेंट देखना और उनको देखना वो कैसे एडिट कर रहे हैं। तो आप सिंपली उसी तरीके से आप ध्यान से देखोगे तो हर एक टॉपिक पर वो क्या बोल रहे हैं, तो फिर कौन सी इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो कौन सा बी रोल यूज़ कर रहे हैं। बी रोल मतलब होता है जो हमारी मेन होती है वीडियो, इसे ए रोल बोलते हैं। उसके ऊपर जो भी हम इमेजेस वीडियोस यूज़ करते हैं उसे बी रोल कहते हैं। तो कैसे बी रोल्स यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से आप देख के सीख के आप क्रिएटिव बन सकते हो। अब मेरे को यहाँ पे इसमें इसके ऊपर बैकग्राउंड ऐड करना है, तो बैकग्राउंड ऐड करना है ग्रिड वाला। तो वो कहाँ पे मिलेगा, सबसे पहले आपको ब्राउज़र में चले जाना, अपनी जो भी आपका ब्राउज़र है वहाँ पर आपको सर्च करना है ग्रिड बैकग्राउंड। सो एक फ्री पिक वेबसाइट आएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैं फ्री वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो मेरे को ये वाला बैकग्राउंड चाहिए तो मैं ये वाला सिंपली से डाउनलोड कर लेता हूँ। सो गाइस ये वापस आते अपनी वीडियो की तरफ। सो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ऐड करना है, यहाँ पे कुछ इस जगह पे, यहाँ पे ऐड इमेजेस पे जाना है, वीडियो पे जाना है, यहाँ पे फोटोज़ में आपको वाला बैकग्राउंड ऐड बैकग्राउंड मिल जाएगा। यहाँ पर ऑल पे जाना है, यहाँ पर डाउनलोड में वाला बैकग्राउंड गेरा बैकग्राउंड। सो इसे आपको ऐड कर लेना है। सो अब आपको इसको सबसे पहले बड़ा करना है, यहाँ पर आपको इसे पूरा फुल स्क्रीन में कर लेना है जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर आपको इसे थोड़ा सा मोशन देना है, मतलब इसे थोड़ा सा मूव कराना है। स्टिल रहेगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, जैसे कि स्टिल है इतना अच्छा नहीं लग रहा। पहली बात तो देख लेते हैं हमें बैकग्राउंड कहाँ तक चाहिए। 20 सेकंड के ऊपर यहाँ से मैं यहाँ तक मैं इसे बैकग्राउंड को रखूँगा। सो अब देखता हूँ कि ये वाला बैकग्राउंड, देखिए ये वाला बैकग्राउंड सिंपल है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे हम थोड़ा सा मोशन ऐड करेंगे इसके अंदर। वो कैसे ऐड करेंगे, इस पर टैप करना है, यहाँ पर आपको एक मिलेगा ऑप्शन की फ्रेमिंग का। सो की फ्रेमिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो सिंपली इसमें क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजिशन को हमें डिफाइन करना होता है जिससे हमारी मूवमेंट होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाया, और स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा के मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके इधर को साइड कर देना पूरा, और फिर लास्ट में जाके एक की फ्रेम लगा दूंगा कुछ यहाँ पर। और इस बार आपको लेफ्ट में मैंने स्लाइड किया था, इस बार आपको राइट में कर देना है। सो कुछ इस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर आएगी, यहाँ पर प्ले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मूवमेंट आ चुके, तो इसी को की फ्रेमिंग बोलते हैं। सो आप इस तरीके की की फ्रेमिंग आप अपनी वीडियोस में भी कर सकते हो, जिससे आप अगर कहीं पे मोशन देना हो तो कर सकते हो। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर मेरे को इमेजेस ऐड करनी है इंस्टाग्राम पे, इस तरीके की इमेज। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आगे जाऊँगा और उसके ऊपर, और सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड आता है ये ऐसे ही ना आए, मतलब तुरंत इसके ऊपर कोई भी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मोशन, कोई इफेक्ट या फिर एनिमेशन आना चाहिए। तो सिंपली इसके ऊपर टैप करना, यहाँ पर एक मोशन का इफेक्ट मिलेगा, इस पर जाना और यहाँ पर एक इन एनिमेशन पर जाकर यहाँ पर रिवील टाइप का हुआ, इस पर आपको जाना है।
ये वाला रिवील वाला, ये वाला मेरे को यूज़ करना है, उसका जो टाइम कर देना 0.3 seconds का रख देना, तो ऐसे ऊपर स्लाइड होकर आएगा। तो ये भी बहुत अच्छा टेक्निक हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही ऊपर आया यहाँ पे कुछ इस जगह पे, तो यहाँ पे मेरे को अपनी फ़ोटोज़ को ऐड करना है, तो ऐड फोटोज़ पे जाऊँगा। जो भी मेरे को फ़ोटो यहाँ पर ऐड करनी है, तो मेरे को कुछ ये वाली फ़ोटोज़ ऐड करनी है, ये वाली फ़ोटो मैंने ऐड कर दी है। और इसकी पोजीशन में यहाँ पे सेट करेंगे कुछ इस जगह पे, और थोड़ा सा आगे जाएंगे क्योंकि एक एक बार करके फ़ोटो ऐड करनी है, थोड़ा सा आगे जाएंगे। और उसके बाद फिर से एक फ़ोटो इमेज ऐड करेंगे, थोड़ा सा और आगे जाते हैं हाँ। उसके बाद एक इमेज फिर से ऐड करेंगे, तीन इमेजेस हमें पूरी ऐड करनी है इस पे। तो दूसरी इमेज हमारी ये होगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमें फिर से आगे जाना है स्लाइड करके, फिर आपके बाद अपनी तीसरी इमेज को ऐड कर देना है। सो गाइस, इस तरीके से जैसे मैं रील एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक ही ऐसा है, बाकी अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। बाकी मैं आपको और भी वेबसाइट्स बताऊंगा जिसमें आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, लास्ट में जाके जो लास्ट वाला बैकग्राउंड है सबको एक ही साथ ट्रिम कर देना कुछ इस जगह पर। जैसे मैंने इसको भी स्प्लिट करना है, इसको भी स्प्लिट करना, लास्ट में जाके सारी फ़ोटोज़ को फिर इस तरीके से डिलीट कर देना। तो कुछ इस तरीके से हमारा रील बनी है, जो मैं अरे लास्ट वाली फ़ोटो की पोजीशन कुछ इस तरीके से, देखिए हमारी रील बनी। अब जैसे कि यहाँ मैंने 20 सेकंड बोला, तो 20 सेकंड में मेरे को कुछ क्या क्या आता है आइडिया, तो मेरे को टाइम ऐड आता है, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर टाइम ऐड कर सकता हूँ, वीरियल्स ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट बताता हूँ जिसका नाम है फ्लैट आइकन्स, वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर आप कोई भी ऐसे बैकग्राउंड, कोई भी आइकन सर्च करोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा, वो भी फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे को चाहिए टाइम का, तो यहाँ पे मैं टाइम सर्च कर लेता हूँ आइकन पे। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइम इफेक्ट यहाँ पे देखो आ सके, तो इसमें मैं एक डाउनलोड करके इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ऐड इमेज पे, फोटोज़ एंड वीडियोज़ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे जाना है। और ये वाला इमेज देख सकते हो यहाँ पे मेरे को ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं इसे सेंटर में ऐड कर देता हूँ ताकि मेरे फेस को डिस्ट्रैक्ट ना करे। फिर यहाँ पे बीच में ऐड कर देते हैं, और यहाँ मोशन पे जाकर एक इन एनिमेशन लगा देते हैं कुछ ये स्पिन वाला। सो ये वाला स्पिन थोड़ा सा टाइम, तो 20 सेकेंड। तो यहाँ पे फिर से स्प्लिट करेंगे यहाँ तक ही चाहिए मेरे को, और आगे देखते फिर इस तरीके की फोटोज आप कैसे बना सकते हो अपने फोन की मदद। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला अपने फोन की मदद से, तो यहाँ पे भी आपको अपना वो ऐड कर लेना है। सो गाइस, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें ऐड होती हैं, कैसे बनाना है, बाकी आपको आइडिया खुद का लगाना है, क्रिएटिविटी खुद की यूज़ करनी है। तो अगर आप क्रिएटिव नहीं हो तो मैंने वो भी बता दिया कि आप क्या कर सकते हो। जैसे कि बहुत लोग नहीं होते क्रिएटिव, जैसे कि मैं अभी अपने आप को क्रिएटिव उतना नहीं मानता, लेकिन मैं हार्ड वर्किंग हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें देखो यहाँ पे, ये स्लाइड वाला यूज़ करूँगा ज़्यादा सही रहेगा। इसको थोड़ा सा यहाँ रखेंगे, यहाँ पे आप देखते हैं जैसे स्क्रीन पर आपको, तो यहाँ पे मेरे को कुछ डेटा दिखाना है। तो इसके लिए मेरे को फिर से बैकग्राउंड ऐड करना होगा, तो मैं दोबारा से कोई बैकग्राउंड ऐड कर सकता हूँ, तो मैं वही वाला बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड मैंने बता दिया कैसे, आपको बहुत सारी चीज़ें तुरंत मिल जाएंगी अब जैसे डाउनलोड करोगे। तो यही वाला बैकग्राउंड मैं यूज़ करूँगा और कुछ इस तरीके से। अब मुझे इसी के ऊपर वीडियो ऐड करनी है, वीडियो पे जाऊंगा, मतलब वीडियो पे नहीं, फोटो ऐड करनी, क्योंकि मेरे को एक फ़ोटो जिसमें मैंने आपको बताया था स्क्रीन पे मुझे कुछ डेटा दिखाना था, कुछ ई वाली इमेज। सो इसको मैं इस तरीके से बड़ा कर लूँगा बीचों बीच सेंटर में। सो यहाँ पर देख से हमारी वीडियो आ चुकी है। तो इसके लिए भी हम एनिमेशन ऐड करेंगे, पहले जो नीचे वाला बैकग्राउंड है इसे थोड़ा सा आगे के लिए जाते हैं कुछ यहाँ पे, और मोशन पे जाके इसमें थोड़ा इन एनिमेशन देंगे कुछ। फेड वाला या फिर स्लाइड वाला, स्लाइड वाला यूज़ करते हैं इस बार। और जो सेकेंड वाला है इसमें भी खूब मोशन इफेक्ट में मैं थोड़ा सा फेड या फिर स्केल, सो यहाँ पे मैं स्केल वाला यूज़ करूँगा। तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन यहाँ पे हमारा बनेगा, देख सकते हैं। आप देखते हैं और लास्ट में जाके दोनों को ट्रिम कर देना अपने हिसाब से। अब यहाँ पे जो चले जाना ब्राउज़र पे, यहाँ पे मेरे को अपनी एक क्लिप पूरा एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड करनी है। सो वो मैं कैसे ऐड करूँगा, सो वो मैं बैकग्राउंड के ऊपर भी ऐड कर सकता हूँ, डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरी थोड़ी बड़ी है, तो मैं पूरा रिकॉर्डिंग ही ऐड करूँगा। फिर से ऐड वीडियो इस पर जाऊँगा, इस बार वीडियो जो है मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इसको मैं पूरा जूम कर दूँगा। फिट टू स्क्रीन यहाँ नीचे ऑप्शन मिलता है शायद इसमें, मेरे हिसाब से फिट फिल, सो यहाँ पर फिल वाला मैं यूज़ करूँगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, स्पीड में जाना है मुझे,
क्योंकि मेरे को इसकी जो रिकॉर्डिंग है स्पीड इसकी बढ़ा देनी है। स्पीड पे जाऊँगा, रेगुलर पे जाऊँगा, 4x कर दूँगा, 4x के आसपास। फिर उसके बाद डन कर देते हैं। और उसके बाद अपनी वीडियो देख लेते हैं। ये थोड़ी सी कट चुकी है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। जो हमारी पूरी रिकॉर्डिंग है उसे आनी चाहिए ना। सब प्ले करके देखते हैं। की वीडियो रेडी हो चुकी है, मैंने यहाँ पर पूरा बना लिया। अब यहाँ पर अगर आप वीडियो में एक चीज़ यूज़ नहीं करते हो तो उससे आपका बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा, वो है साउंड इफेक्ट्स। वो कैसे यूज़ करें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स ऐड करे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट ऐड करा है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर एक साउंड इफेक्ट आता है शूशकर का। तो ये सारे साउंड इफेक्ट्स आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे आपको पूरा पैक मिल जाएगा, लेकिन VN में कुछ साउंड इफेक्ट्स पहले से ही होते हैं तो मैं उन्हीं का यूज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले म्यूज़िक पर जाना, टैप करना, यहाँ पर आपको इफेक्ट्स पर जाना, यहाँ पे फास्ट स्विच पे जाना, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फास्ट स्विच, तो ये वाला यहाँ पर यूज़ कर लेना। तो इसको आपको वीडियो के हिसाब से ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको आगे ड्रैग करना है क्योंकि मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है वीडियो। अब यहाँ पे जब प्ले करोगे देगा तो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे मैंने फोटोज़ ऐड करी है तो फोटोज़ को भी मेरे को थोड़ा सा अच्छे से इफेक्ट। अब यहाँ पे मेरे को दोबारा से साउंड इफेक्ट ऐड करना है वो, फिर उसके बाद दोबारा म्यूज़िक पे जाऊँगा, ये वाला साउंड इफेक्ट मैं यूज़ करूँगा, वो मैंने खुद के पास है मेरा, तो उसमें से मैं अपनी म्यूज़िक लाइब्रेरी से ऐड करूँगा। म्यूज़िक लाइब्रेरी माउस क्लिक वाला, तो इस पर यूज़ करूँगा। यहाँ पे कुछ क्लिप है तो यहाँ पे सबसे पहले से ट्रिम कर लेता हूँ मैं, मुझे क्योंकि इतना ही साउंड पे बाकी जो बेकार पार्ट है यहाँ पे करूँगा डन। और उसके बाद जो हमारा माउस क्लिक है उसको भी सही पोजिशन पर हमें सेट करना होगा कुछ इस तरीके से, हाँ। और उसके बाद यहाँ पे इसे और डुप्लीकेट करके दूसरी जगह पे भी लगाना है, डुप्लीकेट करेंगे। सो गाइस, मेरा फ़ोन में एडिट करने की मेरी आदत छूट गई है, देख रहे हो इधर उधर टैप हो जा रहा है, हाँ। तो इस तरीके से देखिए मेरा साउंड इफेक्ट ऐड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ सो गाइस, अब देखते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ चुका है। अब यहाँ पे भी आपको वही वाला साउंड इफेक्ट लगाना है, शूश वाला, और यहाँ पे मोबाइल के पे भी जगह लगाना है, और यहाँ पे भी आपको अपनी इस तरीके से साउंड इफेक्ट सब में लगा देना है। सो इस तरीके से आपकी पूरी रील एडिट हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने आई होप आप मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें सिखाई हैं इस तरीके से जो मैंने एक्सप्लेन किया। सो मैंने आपको वायरल टेक रील बनाना सिखा दिया अपने फ़ोन की मदद से VN एप्लीकेशन में, वो भी बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से पूछना, एक्सप्लेनेशन की वजह से एक लाइक तो जरूरी करना। तो मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।